सो हेलो गाइस, हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल के बहुत ही कमाल की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वॉइस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके टाइप्स को कैसे चेंज किया जाता है, क्या नियम है, क्या शर्तें लागू की जाती हैं, ठीक है, क्या क्या नियम्स होते हैं और किस किस टेंसों के हम लोग वॉइस को चेंजिंग कर सकते हैं, और यह भी जानेंगे कितने टेंस की एक्टिव वॉइस होती हैं, कितने टेंस में पैसिव वॉइस होते हैं और इनके बनाने के नियम क्या हैं। अगर आप आज तक वॉइस के बारे में तनिक भर भी नहीं जानते, यानी कि अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम वॉइस का नाम सुन रहे हैं, तब भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि वॉइस आपको मैं सिखा दूंगा, आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा वॉइस के बारे में। दोस्तों वॉइस सीखने से पहले आपको टेंस बनाना आना चाहिए, टेंस को पहचानना आना चाहिए कि हम लोग टेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे उसे पहचानते हैं। अगर आपको वह अभी नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है बेसिक लेवल से टेंस सिखाने की गारंटी जिम्मेदारी सीरीज चल रही है, उसे आप देखकर टेंस बनाना सीख सकते हैं। चलो यार, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं वॉइस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस मींस क्या होता है, वॉइस मींस वाच्य होता है। अब ये वाच्य क्या होता है, वाच्य एक वाक्य की तरह ही होता है, ठीक है, वाक्य की तरह ही होता है, उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस को, ठीक है, एक सेंटेंस को दो तरीके से बोला जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि मैं आप लोगों को या तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, या फिर मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि जो अंग्रेजी है वो मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, ठीक है, है ना, इंग्लिश मेरे द्वारा तुम लोगों को पढ़ाई जा रही है या फिर जाती है। तो मतलब अगर हम दोनों वाक्यों का निचोड़ देखें तो एक ही मतलब हुआ ना, मतलब चाहे मैं पढ़ाऊं मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है या फिर अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है ना, तो वही चीज है। तो यहां पर इसी टाइप को हम बोलते हैं वाच यानी वॉइस, ठीक है, यानी इन्हीं दोनों तरीकों को हम लोग मिलाकर कहेंगे, ठीक है। कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, चलो सारी वीडियो मतलब सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि जो वॉइस होता है वो कितने टाइप का होता है। तो यहां पर आपके सामने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर दूसरा जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस की जो हिंदी होती है वो कृतवाच्य होती है, और पैसिव वॉइस की जो हिंदी होती है वो कर्मवाच्य होती है, ठीक है। दोस्तों यहां से ये चीज फाइनल हो गया ना कि वॉइस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, यहां पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब यहां पर बात आती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या क्या नियम लगते हैं, तो चलो वो भी हम लोग यहां पर जान लेते हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए कौन कौन से नियम यहां पर लागू होते हैं। अब देखिए यहां पर जो नियम होते हैं वो अगर हम लोगों ने इससे यानी कि इससे चेंज किया किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस से, यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस हम लोग अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो नियम लगेगा वही नियम अगर हम लोग पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तब भी लगेगा। यानी कि हम लोग क्या केवल एक ही नियम पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है, कैसे बनाया जाता है, केवल यह पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद यह जो है हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो गाइज, अब हम लोग जानते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर अब हम लोग जो है बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय किस किस नियम का पालन करना चाहिए, क्या क्या नियम जो है लगते हैं। तो नियम बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, बस उल्टा पुल्टा कर देना है, ठीक है, उल्टा ही करेंगे तभी यहाँ पर, जैसे अगर आप उल्टा करना जानते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम एकदम 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस, ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग डालते हैं हेडिंग पैसिव वॉइस, ठीक। चलिए अब देखिए यहां पर जो सबसे पहला रूल है, ठीक है, पहला रूल है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट को यहां पर पैसिव वॉइस में एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, उल्टा उल्टा पुल्टा चीज है ना दोस्तों। यहां पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, यहां पर हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, यह है उल्टा पुल्टा नियम, ठीक। अब यह दो नियम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने इसे समझ लिया तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आ गई, 100% गारंटी देता हूं। अब यहां पर इसके ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले, यानी कि हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय का यूज करते हैं, ठीक है। अब बाय का यूज करते हैं, बाय के बाद यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, यहां पर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाय का यूज करेंगे, यहां पर केवल ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यहां पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यहां पर और एक चीज है, नियम नंबर चार मैंने की जो नियम है यह फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ पर जो ये चीज़ है ये है थर्ड और ये है फोर्थ। अब फोर्थ में क्या होगा, देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एस टी फर्स्ट, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
और यहां पर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म। यही चार नियम होते हैं आपके जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। पहला, इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका, यानी कि आपको पैसिव एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। यहां पर इसको हम बाय से यूज करते हैं। बाय का मतलब बाय क्यों लगता है, आपने सोचा नहीं सोचा? जैसे हमने कहा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आप लोग यानी कि इस वाक्य को हम लोग एक पहले तरीके से कैसे कह सकते हैं, हमने आपको पहले बताया, सोचिए, ठीक है। हम लोग इसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो मेरे द्वारा, तो यहां पर क्या हो जाएगी, मेरे द्वारा, ठीक है, बाई मी, है ना। तो इसके ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, और बाय का अगर हम रियल में मीनिंग ढूंढे तो इसके इसका माने क्या होता है, द्वारा ही होता है, ठीक है। बाय मीन्स द्वारा ही होता है, जैसे किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, आपके द्वारा, है ना। तो वहां पर बाय का यूज करते हैं, जब द्वारा का अंग्रेजी लिखना होगा तो हम लोग बाय का यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया नियम, बस आपको इसको लिख लेना। अगर आप नोट बनाना चाहें तो यह शॉर्टकट है, आप इसे ऐसे नोट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर समझ जाइए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है वो प्रोनाउंस में चेंजिंग कैसे होते हैं, जो अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंस में चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोनाउंस में चेंजिंग, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में परिवर्तन, ठीक है। अब प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होता है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा प्रोनाउन किसमें जो है चेंज होगा। तो यह टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब अधिक से अधिक लोग यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो किसमें चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोनाउंस लिखते हैं, जैसे कि आई, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वी, उसके बाद यहाँ पे यू, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं ही, उसके बाद सी, और यहां पर लिख देते हैं दे, ठीक है। इतने सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब ये जो किसमें चेंज होगा, देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब ये किसमें चेंज होगा, एक्टिव वॉइस में तो ये प्रोनाउंस यूज हो गए, ठीक है। अब इन्हें हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसमें चेंज करेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, पैसिव वॉइस बनाते समय प्रोनाउंस का चेंजिंग कैसे होता। तो यहां पर देखिए, अगर हमारा एक्टिव वॉइस में आई रहेगा तो हम उसे पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, मी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आगे हम लोग क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, ठीक है। तो बाय मी हो गया। अगर वी आएगा तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वाई, अस लगा देंगे ऐसे, ठीक है। बाय क्या हो गया, अस हो गया। अगर यू रहेगा तो बाय लगा के हम लोग यहाँ पर यू ही लिखेंगे, क्योंकि यू का कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर हर है यानी कि ही है तो बाय ही हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर बाय लगेगा, बाय लगने के बाद यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर दे है तो बाय लगने के बाद यहाँ पर देम हो जाएगा, टी एच ई एम, ठीक है। यह ही प्रोनाउंस में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो यह परिवर्तन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नोट चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्टिव वॉइस होती है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव जो वॉइस होती है वो 12 टेंस की होती है, ठीक है, 12 टेंस की होती है। और जो पैसिव वॉइस होती है वो केवल 8 ही टेंस की होती है, ठीक है। यहां पर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कितने टेंस की होती है, 8 ही टेंस की होती है। अब वो चार टेंस कौन कौन से हैं जिनको जो है मतलब जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है, अब वो कौन कौन सी है यहां पर हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहला जो आपको ये चीज याद रखना है कि किसी भी जो है टेंस की मतलब यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो किसी भी मतलब किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। जैसे अगर हम लोग प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है, पैसिव वॉइस, ठीक। अगर हम लोग पास्ट का जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी नहीं बनेगा। अगर हम फ्यूचर का भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर टेंस पढ़ रहे हैं तो इसका भी नहीं बनेगा। और किसका नहीं बनेगा, एक ये होता है फ्यूचर, ठीक है, यहां पर पूरी मीनिंग यहां पर लिखी जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका भी यहां पर हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो यही चार, जो एक हो गया यहां पे, दो हो गया, तीन हो गया, और यहां पर ये चार हो गया, ठीक है। इन्हीं चारों टेंस के जो होते हैं वो पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। हम लोग किसके किसके बनाएंगे, जो है जो एक्टिव वॉइस होगी वो 12 टेंस की है, और जो पैसिव वॉइस होती है वो केवल 8 ही टेंस की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि यहां पर कौन कौन से, ऐसे आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पैसिव वॉइस कौन कौन से टेंस की मतलब टेंसों की नहीं बनाई जा सकती है। तो यहां पर आप याद कर लीजिए, जो परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनके मतलब तीनों टेंस के किसी का नहीं बनेगा, और एक जो और होता है वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, इसका अभी जो है हम यहां पर नहीं बना सकते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोगों ने जैसा कि आप, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग हम डायरेक्टली सेंटेंस बनाएंगे, यानी टेंस में परिवर्तन करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस डायरेक्टली बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, यहां पर एक रूल है, ठीक है, यहां पर रूल है, इसको आप यहां पर देखिए, रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किसमें हो जाएगी, यानी कि एक्टिव वॉइस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी इज आर एम, या फिर सब्जेक्ट के अनुसार जो भी होगा, वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म के साथ यूज करेंगे, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल यहां पर हम
लोग लिख रहे हैं, जैसे राहुल ईट्स मैंगो, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं राहुल ईट्स मैंगो, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा ए है एक्टिव बॉयज, ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल दीजिए क्या है एक्टिव बॉयज है, ठीक है, ये हो गया एक्टिव बॉयज। अब इसका पैसिव बॉयज कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या कहा, ध्यान से देखिए, हमने कहा था क्या, रूल क्या होता है कि इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैंगो, द मैंगो, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हमारा मैंगो किस वचन में, एक वचन में है, एक ही आम खाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ठीक है, तो द मैंगो इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब का क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है ईटन, तो ई ए टी ई एन, ठीक है, ईटन। अब यहाँ पर देखिए राहुल, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था, यानी हमने पहले के नियम में पढ़ा, पहले के नियम में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे बाई, यहाँ पर क्या लिख देंगे राहुल, ठीक है, राहुल। अब हमने कहा था प्रोनाउन में चेंजिंग होगा, ना कि इसमें जो है नेम में चेंजिंग होगा, नाउन में नहीं, प्रोनाउन में चेंजिंग होगा, ठीक है, नाउन तो हमारा जो भी है वही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपने देखा कितना आसान है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, है ना। चलिए अब लोग यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा डू या डज नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, इज आर एम प्लस नॉट में, ठीक है, यानी किसके नॉट को इसके नॉट में चेंज कर देंगे, इसके सहायक क्रिया के बाद, इसके सहायक क्रिया के बाद हम लोग यहाँ पर नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, देखो लिखा एक्टिव बॉयज में बी डू नॉट बाई बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बुक्स है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे द बुक्स, द बुक्स, देखिए द बुक्स जो है वो एक वचन नहीं है, बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर लगेगा आर, उसके बाद क्या लगेगा नॉट, ठीक। अब नॉट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ सॉरी, वी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्रिया तो लिखना भूल ही जाती है अभी, तो क्या लगाएंगे, बाई का सेकंड फॉर्म होता है बोट, बी ओ यू जी एस ए टी, बोट। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे बाई, और यहाँ पर बी का हम लोग चेंजिंग क्या किए थे पहले वाले, देखिए पहले आप सोचिए कि हमने बी को किस में चेंज किया था, तो बाई अस में चेंज किया था, तो बाई क्या लग जाएगा, अस लग जाएगा। यह हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, यहां पर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से डू या डज बाहर आ जाता है, तो क्या करेंगे, यहां पर जो भी हमारा इसका ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, यानी इसके जो है वचन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर भी इज आर एम का यूज कर लेंगे। देखो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश क्या है, एक वचन है, तो यहां पर लगा देंगे इज, ठीक है, इज द इंग्लिश, द इंग्लिश। अब देखिए द इंग्लिश के बाद यहां पर टीच का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट, टी ए यू जी एस टी, टाट। अब यहाँ पर देखिए ही का चेंजिंग, यानी कि ही जो प्रोनाउन है हमारा वो किस में चेंज होता है, बाई हिम में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाई हिम, ठीक है, यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने किस में चेंजिंग किया था, हिज में, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए ही को चेंजिंग किस में किया था, बाई हिज में, तो यहाँ पर बाई हिम में, ठीक है, बाई हिम में चेंजिंग हो, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक। चलिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसको भी निकाल लेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक प्रकार से फालतू में दे दिया जाता है, क्योंकि हमें यह पता है कि हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, फिर भी ये बार बार हम लोगों को पीछे आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ए मैंगो, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो ए मैंगो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, तो इसके इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है, इज ये मैंगो, मैंगो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारी वर्ब क्या है, ईट है, तो ये हो जाएगा ईटन, ईटन, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पर नॉट भी लगा देंगे, मैंगो के बाद लग जाएगा नॉट, इज ए मैंगो नॉट ईटन बाई राहुल, ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा राहुल। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों आज जो है सीखा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम, उसके चारों सेंटेंस और उसके चारों प्रकार के सेंटेंसों को हमने यहाँ पर कर डाला एक ही वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसको हम भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, न्यूअस टेंस, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन, एक्टिव वॉइस से वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो होगा इसमें एक नई चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, सीखने को, वो नई चीज क्या है वो भी हम आपको यहां पर बताए दे रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए इसमें नई चीज क्या है, इसमें बींग जुड़ जाता है ठीक है। तो उसमें आईएनजी को हटाकर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका रूल हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो वो जो आईएनजी होती है वो बी के बाद आई मतलब आईएनजी में जुड़ जाती है, बी के बाद आईएनजी उसमें जुड़ता बींग हो जाता है ठीक है। उसी प्रकार यहां पर हम लोग इसे बना देंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ ट्राई किया है लिखने को आपको समझाने के लिए। यहाँ पर यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एज आर एम होगा, यहाँ पर वर्ब में आई एन जी जुड़ा हुआ होगा ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज आर एम लिखेंगे एज, जिसमें ऐसे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इज आर एम के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे ठीक है। न्यू चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली, तो यहाँ पर बींग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल, पहले जो है वो लिखेंगे एक्टिव वॉइस एक्टिव ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैसिव पैसिव ठीक है। चलिए देखिए जब यहां पर हम लोगों ने लिखा, जब हम कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, माई मदर इज कॉलिंग देम, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी, मेरी माता उसे बुला रही है या फिर उन्हें बुला रही है ठीक है। तो यहां पर वो मेरे माता जी द्वारा बुलाए जा रहे हैं, यानी कि इसका हिंदी यही तो होगा। तो यहां पर ये जो देम है इसका ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है ना। तो यहां पर लिखेंगे दे, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, दे। अब क्या लगाएंगे, दे हमारा किस वचन में, एक वचन बहुवचन, तो यहां पर क्या लगा देंगे, बहुवचन में, तो यहां पर लगा देंगे आर ठीक है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे बीइंग, क्योंकि यहां पर दिया गया है ना बीइंग लगाना ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे बीइंग आई एन जी, बींग के बाद लगाएंगे वर्ब, जो हमारा यह काल है, कालिंग को हो जाएगा कॉल्ड, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहां पर लगा देंगे कॉल्ड, दे आर बींग कॉल्ड ठीक है, बाई माई मदर। अब माई मदर का देखिए माई का क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर इसका क्या लिख सकते हैं बताइए ठीक है। अब माई मदर यानी मेरी माता है, तो यहां पर ये जो माई मदर है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो यहां पर इसको हम एज एज ऐसे लिख देंगे ठीक है, माई मदर ठीक है, एम ओ टी एच ई आर मदर, ये हो गया आपका पेसिव वॉइस ठीक है। तो यहां पर माई मदर है, तो यहां पर माई मदर ही रहेगा ठीक। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो इन निगेटिव सेंटेंस जो हमारा है वो कुछ इस टाइप का है, रूल जो लगेगा वो ये लगेगा, इज आर एम चेंज किस में हो जाएगा, इज आर एम में चेंज होगा, और यहाँ पर प्लस नॉट में चेंज होगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बीइंग लगाएंगे ठीक है। हमारे लिखने का केवल मेन मोटिव यही था कि हम लोग पहले इज आर एम के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बींग लगाएंगे ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो लिखा है रोहन इज नॉट कुकिंग फूड, तो यहाँ पर फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द फूड, द फूड। अब देखिए द फूड के बाद क्या लगाएंगे, हमारा फूड किस वचन में है, देखिए अब आप लोग सोचिए कि फूड जो है वो किस वचन में है, तो यहाँ पर फूड जो है वो एक ही वचन में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज ठीक है, द फूड इज नॉट, क्योंकि नॉट हमने यहाँ पर लिखा गया कि इज आर एम के बाद नॉट का लगाएंगे ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे बीइंग बींग ठीक है, द फूड इज नॉट बींग। अब कुक का क्या होता है, कुक्ड होता है ठीक है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो कुक्ड होता है, सी डबल ओ के ई डी कुक्ड ठीक है, इसका ये फॉर्म हो गया। अब बाई क्या हो जाएगा, बाई रोहन। देखिए गाइस यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इज आर एम यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बींग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ठीक है। इसने इस जो इसको हम लिखे हैं इसका यही मेन मोटिव था कि आपको सब्जेक्ट के बाद बींग लगाना है। फिर यहाँ पर हमने लिखा इज ही वॉशिंग क्लोथ, क्या वह कपड़े धो रहा है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लोथ्स क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे द क्लोथ्स, द क्लोथ्स क्लोथ्स, आर लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही कपड़ा नहीं है, बहुत सारे हैं, तो द क्लोथ्स आर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया ठीक है, यह चीज़ गड़बड़ हो रहा है, आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि गड़बड़ हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम लोग इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इज है, क्लोथ हमारा बहुवचन है, तो आर सबसे पहले लगेगा, तो आर द क्लोथ्स, द क्लोथ्स क्लोथ्स, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बीइंग, तो हमने लगा दिया बीइंग ठीक है। बीइंग लगाने के बाद यहाँ पर लगाएंगे बाई, और बाई लगाने के बाद ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है ठीक है, हिम। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमने नहीं लिखी, वो क्या चीज़ है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ना आए तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, बीइंग के बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट मतलब क्रिया को नहीं लिखा है, तो क्रिया को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, वॉशिंग। वॉशिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वास्ड हो जाएगा, डब्ल्यू ए एस एच ई डी वास्ड ठीक है। तो यह चीज़ आपको भरमाने के लिए मैंने किया ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखना। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए गाइस जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है, क्योंकि हमें यह पता रहता है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज़ करना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट तथा उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं,
तो यहां पर एग्जाम्पल हमने लिखा इज ही नॉट रीडिंग न्यूज पेपर, तो यहां पर न्यूज पेपर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो न्यूज पेपर बताइए क्या एकवचन होता है कि बहुवचन होता है, ठीक है जल्दी बताइए। तो यहां पर न्यूज पेपर एक ही होता है, तो यहां पर ये एकवचन होता है, तो यहां पर लिखेंगे इज, ठीक है इज द न्यूज पेपर, इज द न्यूज पेपर, ठीक है। अब यहां पर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे क्या बीइंग, फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड बाई। अब देखिए ही का बाई के बाद क्या लगता है, हिम लगता है, तो यहाँ पर लगा देंगे हिम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज द न्यूज पेपर नॉट बीइंग रीड बाई हिम, ठीक है क्या यह न्यूज पेपर उनके द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने यह पढ़ा, अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, तो यहाँ पर अफर्मेटिव का यह है एक्टिव वॉइस का रूल, ठीक है अगर आप टेंस पढ़े होंगे तब आपको ये चीज़ पता होगी कि वहाँ पर हैज लगता है, हैव लगता है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि अगर किसी का भी किसी भी टेंस का परफेक्ट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें चेंज करते टाइम नियम क्या लगाना है, यानी कि इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पर हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में क्या लगता हैज़ हैव सब्जेक्ट के अनुसार तो लगेगा ही लगेगा, बट यहाँ पर बीन ऐड हो जाता है अलग से, ठीक है यानी कि ये मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर बीन नहीं रहेगा, बट हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर बीन रहेगा तो रहेगा, ठीक है उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है क्या, ही हैज़ बीटन देम, वह उसे उन्हें पीट चुका है, ठीक है इसकी हिंदी यही निकलेगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट यानी इसका रूल हम लोगों ने पढ़ा पहले कि हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसका ऑब्जेक्ट देम है, तो देम को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा दे, ठीक है क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, इसलिए यहाँ पर देम का भी सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग दे। अब यहाँ पर देखेंगे कि दे हमारा एकवचन में है या बहुवचन में है, तो ये बहुवचन में आता है तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा हैव, ठीक है क्या लगेगा हैव। अब देखिए हैव लगा दिया, हैव के बाद क्या लगता है, यहाँ पर बीन लगता है, ठीक है यहाँ पर हमने हैव लगाया फिर क्या लगेंगे बीन, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप बीन, ठीक बीन भी हो गया। बीन होने के बाद हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर दे हैव बीन, अब ये बीटन लिखेंगे क्योंकि हमें वर्ब लिखना है, ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीटन, BEATEN बीटन। अब यहाँ पर हम लोग ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो यानी कि ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हमें एक नियम और भी पता होना चाहिए कि बाई लगाते हैं पहले, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बाई हिम, ठीक है ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब नेगेटिव देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या जुड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा, हैज हैव प्लस नॉट, ये हो गया हमारा जो है एक्टिव वॉइस के लिए। अब यहाँ पर क्या चेंज होगा पैसिव वॉइस में, हैज हैव तो रहेगा ठीक है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट भी रहेगा, ठीक है यानी कि हैव या हैज के बाद यानी जो है हमारी सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद यानी नॉट के बाद हमें बीन का यूज करना है, ठीक है चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ आई हैव नॉट लर्नड द लेसन, ठीक है मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका हूँ, ठीक है तो पाठ मेरे द्वारा याद नहीं किया गया है ना, इस तरह से बनेगा इसका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या है देखो द लेसन, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है द लेसन, तो इसको हम पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द लेसन, लेसन ठीक है द लेसन हो गया। अब यहाँ पर देखिए द लेसन के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, द लेसन एक वचन में है या बहुवचन में, तो देखिए एक पाठ मतलब यहाँ पर लेसन एक वचन नहीं होता बहुवचन में होता है हमेशा है ना पाठ, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, ठीक है हैव के बाद क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जो नियम में कहा जा रहा है कि नॉट लगाइए, तो यहाँ पर आप नॉट का भी यूज कर दीजिए कुछ इस तरह से, तो द लेसन हैव नॉट। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर लगी हुई इसी को हम देख कर लगा देंगे LEARNT लर्नट। अब ठीक है देखिए यहाँ पर तो हो गया, अब यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग मी हो जाएगा आई का ऑब्जेक्टिव है ना, तो मी के पहले क्या लगता है बाई लगता है, तो यहाँ पर लगा देंगे बाई मी, ठीक है यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा क्या पैसिव वॉइस, ठीक है चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए इंट्रोगेटिव में क्या चेंज होगा, यहाँ पर हैज हैव पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस के लिए। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, देखिए हैज हैव तो रहेगा रहेगा सब्जेक्ट भी रहेगा और सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लग जाएगा नई चीज़ यहाँ पर बीन लगा देनी, उसके बाद सारी चीज़ें वैसे लिख देनी है, ठीक है जैसे हैव यू स्टोलन द बुक, ठीक है क्या तुमने बुरा जो है क्या तुमने बुक चुरा ली है, ठीक है तो कुछ इस तरह से इसकी हिंदी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बुक जो है तुम्हारे द्वारा चुराई गई है इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, हमने हिंदी में बताया, तो हम इसको कैसे जो है अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले उससे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे, तो द बुक क्या हो गया एक वचन हो गया क्योंकि बुक्स होता तो बहुवचन होता है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे हैज, ठीक है क्या लगाएंगे हैज द बुक, ठीक हैज द बुक, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमें क्या लगाना है बीन लगा देना, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग बीन, ठीक है क्या लगाएंगे बीन, ठीक
हमने बिन लगा दिया। अब बिन लगाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बिन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना जो है वर्ब। तो वर्ब क्या है, स्टोलन, यानी कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाना, तो हो गया स्टोलन, जो कि पहले से दिया है स्टोलन। ठीक हैज़ द बुक बीन स्टोलन। अब क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट बचा है यू, तो यहाँ पर बाई यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई यू हो जाएगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, आइए एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है नेगेटिव सेंटेंस में, हम लोगों ने बीन का यूज़ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर नॉट के बाद हम लोगों को बीन का यूज़ करना है, ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लोगों ने बताया भी नहीं हमें, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ नियम में है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बीन का यूज़ कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं, यानी कि टेंस का लास्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या चीज़ होनी है, नहीं होनी है, बस हमें यही करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट रहता है, और यहाँ पर भी हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव वॉइस में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, यहाँ पर प्लस में बिन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो है वो नहीं लिखा, इसको पहले लिख लेते हैं, इसकी एक्टिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नई चीज़ है इसमें, हम लोगों को नॉट के बाद बिन लगा देना है। तो यहाँ पर लिखा हैज़ ही नॉट बीटन देम। ठीक है, यानी कि क्या उसने, या फिर क्या वह उन्हें नहीं पीट रहा है, इसका हिंदी कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर क्या वह उनके द्वारा नहीं पीटे जा रहे हैं, है ना, ऐसे ही बनेगा कुछ। तो इसको हम लिखेंगे देम, देम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो देम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव रूप हो जाएगा दे। उससे पहले हम लोगों को हैज़ हैव का डिसाइड करना है कि हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा, तो दे हो जाएगा हमारा बहुवचन। यहाँ पर ही सब्जेक्ट था, एक वचन था, इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा। यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, ठीक है, फिर दे, हैव दे, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन। ठीक है, बीन के बाद यहाँ पर लगाएंगे बीटेन, यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म अवस्था। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा बीटेन। अब क्या हो जाएगा, बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिम। लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि आपको ये वाला टेंस, यानी कि ये टेंस आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो रहा कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए फिर से वीडियो बनाई जाएगी, बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। वैसे मेरी जो है, मैं उम्मीद करूंगा, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे सरल भाषा में समझाया समझाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैंने शॉर्टकट करा है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब छापने की चीज़ है नहीं, बस आपको बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। इससे पहले जो हमने आपको बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ गई, तो ये सारी चीज़ें आने में कोई भी देर नहीं लगेगी आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं जो है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर लिया है, टोटली सारे का हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। ठीक, अब पास्ट इंडेफिनिट में कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तन। सबसे पहले नियम क्या है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज कर देंगे, वाज या वियर, यानी सहायक क्रिया वाज या वियर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको हम चेंज कर देंगे, है ना। दिनेश किल्ड ये स्नेक, यानी कि दिनेश ने एक सांप मारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये स्नेक, यानी कि हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया, ये स्नेक, तो यहाँ पर लिखेंगे ये स्नेक, SNAKE, ये स्नेक। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए एक स्नेक क्या, ये हो गया हमारा एक वचन, एक वचन होगा तो वाज, बहुवचन होगा तो बियर, है ना, यही सारी चीजें नियम है। तो यहाँ पर ये स्नेक वाज। ठीक है, अब किल्ड का किल्ड हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पर किल्ड है, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किल्ड। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, दूसरा पेन लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे किल्ड। ठीक है, ओके किल्ड। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई दिनेश हो जाएगा, बाई दिनेश। ठीक है, यहाँ पर ये यह हो गया हमारा। नेगेटिव करते हैं क्योंकि हम लोगों ने अफर्मेटिव कर लिया है। यहाँ पर नेगेटिव में क्या होता है, अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा होगा तो आपको नेगेटिव में डिड नॉट मिलता होगा, यानी कि अगर अफर्मेटिव पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर डिड नहीं यूज करना था, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाती है ना। लेकिन हम लोग जैसे नेगेटिव पढ़ते हैं इसका, तो हमें यहाँ पर डिड नॉट मिल जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी लगानी, चाहे हम लोग जिसका भी पैसिव वॉइस बनाए उसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं कि हम वहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब ये पैसिव वॉइस में एक अच्छा काम है कि हर जगह पर आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है, आपको फर्स्ट सेकंड में कहीं पर नहीं जो है, ठीक है, भूलना नहीं है, है ना। यहाँ पर चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव है हमारा, जैसे डिड नॉट है, डिड नॉट को हम किस में यूज चेंज कर देंगे, वाज या वी आर नॉट में। ठीक है, बस इतना ही चीज करना है, डिड नॉट है तो हम लोग यहाँ से वाज वियर या नॉट में चेंज कर देंगे। ठीक है, वाज वियर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। जैसे कि लिखा आई डिड नॉट सेंड ईमेल। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ईमेल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ईमेल। ठीक है, ई मेल, MAIL, ईमेल। ठीक,
अभी हो गया हमारा सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट एक बचन है बहुवचन, तो ईमेल हमारा एक बचन होता है तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, ठीक है वाज भी लगा दिया। फिर अब क्या लिखना है, अब यहाँ पर नॉट लगाना है तो हमने यहाँ पर नॉट भी लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेंड का एक थर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी कि जो हमारे वर्ब है सेंड, उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा सेंट, सेंट। अब बाई किसके द्वारा, बाई आई, यानी कि तो बाई मी हो जाएगा, बाई मी, ठीक है। इससे पहले हमने आपको जो बताया दोस्तों उसे आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि याद कर लीजिए वहाँ पर प्रोनाउंस में जितने भी सारी चेंजिंग होती है, अगर आपने उसको याद कर लिया तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिड लगाएंगे, जो भी आगे डिड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो डिड के बाद यहाँ पर डिड सब्जेक्ट के बाद उसको मतलब चेंज किस में होगा, वाज या वेयर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, फिर वहाँ पर लगाएंगे वर्ब किस थर्ड फॉर्म, है ना, कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखा है एक्टिव डिड दे प्लक द फ्लावर, ठीक है। डिड दे प्लक द फ्लावर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फ्लावर है, तो यहाँ पर लिखेंगे द फ्लावर। उससे पहले आपको यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है, तो डिड द फ्लावर एक बचन है या बहुवचन है, ठीक है। तो फ्लावर इसका मतलब एक बचन, अगर फ्लावर्स होता तो बहुवचन हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पहले वियर लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, वियर द फ्लावर, वियर द फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर की स्पेलिंग गलत लिखी थी, ये वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, वियर द फ्लावर। अब यहाँ पर ये बताइए प्लक है तो यह क्या हो जाएगा, प्लग्ड हो जाएगा, PLUCKED, क्योंकि यहाँ पर प्लग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग्ड, ठीक है। अब यहाँ पर दे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई देम हो जाएगा, ठीक है। दे का क्या हो जाएगा, देम, TH EM, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा भद्दा लिख दिया है। वैसे बाकी की और भी आगे वाले आने वाले टाइम में आपको जो है बहुत ही अच्छे से राइटिंग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। बस यहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, इतना सा माफ़ कर देना। तो देखिए हम लोग अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यह जो टॉपिक, यानी कि हर एक सेंटेंस में जो चारों टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो उसमें जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके एग्जाम में अगर आएगा भी, तो ये कोई आसान वाला नहीं आएगा, या अफर्मेटिव का दे देगा, नहीं निगेटिव का दे देगा, वो आपको बझाएगा, घुमाएगा, तब वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा उम्मीद रहती है कि आपको जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव से रिलेटेड ही कोई ना कोई सेंटेंस दे, इससे आपको जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग इसके नियम को ध्यान देते हैं कि यहां पर डिड रहेगा, सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहां पर, ठीक है, इसके पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वाज लिखेंगे सबसे पहले, या फिर उसके बाद, या फिर मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे वाज या वियर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहां पर नॉट लगाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा डिड माई फादर नॉट बाई स्वीट्स, ठीक है, यहां पर स्वीट मतलब मिठाइयां, ठीक है। अब देखिए क्या मेरे पिताजी ने मिठाई नहीं खरीदी है, यही तो यहां पर देखिए नहीं खरीदी थी, क्योंकि यहां पर पास्ट है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे, तो स्वीट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये स्वीट्स एक बचन में या बहुवचन में, इसको हम चेक करेंगे, तो क्या स्वीट्स एक बचन में नजर आ रहा है या बहुवचन में, बहुवचन में, यानी प्लूरल नंबर में। तो यहां पर क्या लगाएंगे, वियर लगाएंगे, सबसे पहले यहां पर आप लिख दीजिए वियर। अब यहां पर फिर लिखिए स्वीट्स, स्वीट्स, हाँ ठीक है स्वीट्स। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। अब जो भी हमारा बताया उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। बाई का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बाई बोट, बोट, तो BOUGHT, ठीक है, बाई बोट थर्ड फॉर्म हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर माई फादर है, तो बाई माई फादर होगा, बाई माई फादर, ठीक। लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। ये हो गया आपका, समझ में आया दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो बनी है यार, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है, तो यार अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें भी, क्योंकि आपके जो फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग करी जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा, देखेंगे यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें आपको क्या करना है, वाज बियर लगाना है, लगाना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। बट यहाँ पर पैसिव वर्ब में वाज बियर भी लगेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों में सेम है सहायक क्रिया, फिर यहाँ पर बीइंग लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पार्ट क्या जोड़ना है, बीइंग, ठीक है, तो बीइंग यहाँ पर आप जोड़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, सी वाज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, वह दूध पी रही थी, है ना। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, तो यहाँ पर लिखेंगे द मिल्क, द मिल्क, MILK, मिल्क। अब देखिए हमारा जो मिल्क है वो एक बचन में या बहुवचन में है, तो हम इसको बहुवचन में लेते हैं, तो यहाँ पर वियर हो जाएगा, वियर, ठीक है, द मिल्क वियर। अब यहाँ पर देखिए ड्रिंक बियर के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, बींग लगा देंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, बींग लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे बींग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, ड्रिंक, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रैंक, DRANK, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, यहाँ पर DRUNK, ड्रंक, ठीक है। अब उसके बाद बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई लगाएंगे, और फिर सी का जो है वो हो जाएगा हर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हर, यहाँ पर
लास्ट में हरम लिख दिया। अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में क्या होता है, वाज बियर और नॉट को यहाँ पर हम चेंज करेंगे वाज बियर नॉट, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बींग लगाएंगे। ठीक है, यानी कि वाज बियर लिखेंगे उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम बींग लगा देंगे, फिर वाव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पर वी वियर नॉट, फिर लिखा बाइंग बैट्स, ठीक है, हम जो है बल्ले नहीं खरीद रहे थे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बल्ले यानी बैट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे द बैट्स, द बैट्स, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे बैट्स। ठीक है, अब यहाँ पर वियर, अब हमारा बियर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर बैट्स क्या है, एक वचन से अधिक है, यानी कि बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर वियर लग गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बींग, बीइंग, बींग, अब क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा, क्योंकि बाइंग है तो यहाँ पर बोट लगा देंगे, बी ओ यू जी एच टी, बोट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई, क्या हो जाएगा, बाई। अब बी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, ही, ही, और, अस हो जाता है, क्या हो जाता है, अस, तो बाई यहाँ हो गया, और फिर लगाएंगे हम लोग अस, लास्ट में हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। अगला करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ पर इंट्रोजोगेटिव है आपका, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज बियर सबसे पहले लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें भी वही चीज़ है, वाज बियर सबसे पहले लिखना है फिर सब्जेक्ट लगाना है, बस इसमें क्या करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद बींग का प्रयोग कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाज सी बीटिंग ए चाइल्ड, क्या हुआ, एक बच्चे को पीट रही थी, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए चाइल्ड। ठीक है, उससे पहले ये चाइल्ड मतलब यहाँ पर एक वचन या बहुवचन है, एक वचन में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे वाज ए चाइल्ड, सी एच आई एल डी, ठीक है, वाज ए चाइल्ड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीइंग, बीइंग, फिर क्या लगाएंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे बी टेन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हो जाएगा बी टेन बाई हर। ठीक है, क्योंकि सी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट में, हर हो जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसे। अगला हमारा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर वाज बियर सबसे पहले फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, ठीक है, इसमें भी वाज बियर सबसे पहले फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, उसके बाद बींग, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे में हो जाएगा हमारा वाज आई नॉट ब्रशिंग माई टीथ, क्या मैं अपने दांत को नहीं साफ करता हूँ, मतलब करता था, तो इसलिए, तो यहाँ पर ये यह हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टीथ, ठीक है, माई टीथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर माई टीथ हो जाएगा हमारा क्या, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट हमारा किस में है, एक वचन में या बहुवचन में है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन में आता है या, है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे वाज माई टीथ, सॉरी टी डबल ई टी एच, टीथ, वाज माई टीथ। अब उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है, लगाएंगे नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बींग, तो यहाँ पर लगा दिए बींग, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, बींग। अब बींग के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रश्ड, बी आर यू एस एच ई डी, ब्रश्ड, ठीक है, अब यहाँ पर ब्रश्ड हो गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर बाई, अब मी का क्या हो जाता है, मतलब आई के ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, मी, तो यहाँ पर लगा देंगे मी, है ना, तो ये हो गया आपका यह भी। ठीक, तो समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस यहाँ पर आपको इन थोड़े छोटे छोटे जो नियम से यहाँ पर हमने लिखे स्ट्रक्चर के रूप में, आपको इनको बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सब घुसता चला जाएगा, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा सेंटेंस है, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, नियम्स क्या हैं, ठीक है, रूल्स क्या क्या हैं, उनको हम जानते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल लगेगा, यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में, और यहाँ पर हैड के साथ बीन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है ना। चलिए आगे है, इसमें लिखा है जिसे एग्जाम्पल के रूप में, यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, मतलब हिम, ठीक है, आप उन्हें इन्फॉर्म यानी कि मतलब सूचना दे चुके थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड, फिर लगाएंगे क्या, हम हैड, फिर क्या लगाएंगे, प्लस में बीन, तो यहां पर लिखेंगे बीन, ही हैड बीन। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इन्फॉर्म्ड, क्योंकि यहां पर इन्फॉर्म्ड है थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी, तो यहां पर हम लोग भी लगा देंगे इन्फॉर्म्ड। अब हमारा क्या हो जाएगा, बाई, क्या लगाएंगे, बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव रूप में क्या होता है, यू ही होता है, तो बाई यू लिख देंगे ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, अगला आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पर हैड प्लस नॉट लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखना ही लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हैड प्लस नॉट उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, अभी से क्या होता है, हैड के पहले बीन लग जाता था, यानी कि हैड के बाद ही बीन लग जाता था, अब क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बीन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा, ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएंगे द वर्क, द वर्क, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया वर्क, हैड नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, द वर्क हैड नॉट बीन, अब क्या लगाएंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है, तो कंप्लीटेड, यहां पर एल ई टी ई डी, क्या हो जाएगा, बीन कंप्लीटेड, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई,
फिर क्या लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्टिव रूप में क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो चेंज हो जाएगा हेड, मतलब यहाँ पर पेसिव वॉज में भी हेड लगना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगनी हो, फिर लास्ट में क्या लग जाएगा, बिल लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका यूज करेंगे, बिन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हैड सी पेड द बिल्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बिल्स, ठीक है। अब उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नाक मूंद कर आप हेड लगा सकते हैं, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पर एक ही साइक्रिया है, हेड, तो दोनों में लगनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख दिया यहाँ पर हेड, फिर यहाँ पर लिखेंगे द बिल्स, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, बिन लगा देंगे तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ पर कहा गया सब्जेक्ट के बाद तुरंत बिन लगाइए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया, बिन लगा दिया। फिर क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे पेड, यानी कि थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी लगी है, तो हो गया पेड हमारा। फिर यहाँ पर लगाएंगे बाई, तो हो गया बाई, उसके बाद यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव रूप में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे हर, लास्ट में लोग लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आया। अगला बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम आपको शुरू से बताकर चले आ रहे हैं, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, यही शायद आने आ जाए, ठीक है। तो लिखा हैड सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हेड लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे नॉट, इसमें चेंजिंग कहाँ पे होगा, हेड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर नॉट, उसके बाद बीन, क्योंकि बीन के पहले नॉट लगना और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना, ठीक है। तो यहाँ पर बीन और सब्जेक्ट के बीच में हम लोग नॉट का यूज कर देंगे। एग्जाम्पल लिखा हैड आई नॉट इनवाइटेड देम, तो यहाँ पर लगा देंगे सबसे पहले आंख मूंद कर आप हैड लगाइए, उसके बाद देम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा दे, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए बीन, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या इनवाइटेड, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनवाइटेड, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए इनवाइटेड, फिर क्या लगेंगे बाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीन इनवाइटेड, यहाँ बाई क्या हो जाएगा बाई, फिर क्या हो जाएगा मी, ठीक, यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरह से, ठीक है। बस दोस्तों अब हम लोग अगला टेंस पढ़ते हैं जो कि आपका आ गया है, फ्यूचर में हम लोग आ चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दो टेंसों को पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट को पढ़ा है, उसके बाद पास्ट को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर, ठीक है। इसमें दो ही टेंस को पैसिव वॉइस बनता है, एक इसका इंडेफिनिट का और दूसरा परफेक्ट का, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यहाँ पर अफर्मेटिव में कैसे चेंज होगा, देखिए अफर्मेटिव में चेंज होगा आपका पहले विल या शैल को, विल या शैल, ठीक है, लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, इसमें भी आपकी साइक्रिया विल या शैल होगी, उसके बाद विल या शैल के बाद तुरंत बाद हम लोग बी का यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे लिखा आई शैल टीच यू, I shall teach you, तो यहां पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यू है, तो यहां पर सबसे पहले यू लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहां पर हो जाएगा यू के साथ हमेशा विल लगता है, तो यहां पर लगाएंगे विल, यू विल, अब क्या हो जाएगा विल के बाद क्या लगेगा वी लग जाएगा, तो वी लगा दिए, फिर यहां पर टीच का हो जाएगा टाट, टी ए यू जी एच ए टी, टाट, फिर बाई हो जाएगा, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा मी, ठीक है, यहां पर हम लोग लगा दिए मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव हो चुका है, नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव में कहा गया है कि विल या सेल के बाद तुरंत बाद नॉट लगाइए, और यहाँ पर क्या करना है हमें विल या सेल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद भी लगाना है, ठीक है, हमेशा हम साइक्रिया के बाद ही नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा नॉट साइक्रिया के बाद लगेगा। एग्जाम्पल है आई सेल नॉट बाई ए कार, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसका एक अर्थ हो जाएगा क्या ए कार, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, लगाएंगे क्या यहाँ पर विल या सेल, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, क्या हो जाएगा विल, ये कार विल, फिर लगाएंगे हम लोग नॉट, फिर हो जाएगा बी, ए कार विल नॉट बी, क्या हो जाएगा फिर बाई, यानी कि बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बोट, बी ओ यू जी एच टी, ए कार विल नॉट बी बोट, फिर बाई क्या हो जाएगा आपका बाई मी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करना है, विल लगाना है, फिर यहाँ पर सेल लगाएंगे, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या लगाना है विल या सेल लगाना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर बी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक्टिव वॉइस में विल सी कॉल द सर्वेंट, ठीक है, यहाँ पर सर्वेंट की अंग्रेजी गलत लिखी, यहाँ पर लिखेंगे एस ई आर, ठीक है, एस ई आर वी एन टी सर्वेंट, तो विल सी यहाँ पर क्या होगा द सर्वेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो द सर्वेंट एक वचन में, तो यहाँ पर लगाएंगे विल, ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे विल, ठीक, क्योंकि सर्वेंट में हमें विल ही लगाना है, तो यहाँ पर विल द सर्वेंट हो जाएगा, विल द सर्वेंट हो जाएगा सर, क्योंकि जो सेल लगनी है दोस्तों सेल हमेशा आई के साथ लगेगा और या फिर उसके साथ लगेगा वी के साथ, बाकी सभी के साथ हमें क्या हमारी सहायक क्रिया क्या होती है विल ही लगती है, तो आप यहाँ पर विल ही लगाएंगे, तो यहाँ पर विल द सर्वेंट, ठीक है, उसके बाद क्या लगेंगे सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर वी लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा दिए वी, फिर क्या लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या कॉल्ड, ठीक है, तो विल द सर्वेंट कॉल्ड बाई किसके बाई हर, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक,
समझ में आया? चलिए आगे, इंटोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं, तो यहाँ पर विल लगाएंगे, पहले सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद भी लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल का विल ही नॉट राइट बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे, देखो यहाँ पर बुक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर यहाँ कि पहले बिल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आई और वी होगा उसी के साथ सेल लगाएंगे, तो यहाँ पर विल हम आँख मूंद कर लिख दिए, फिर लिखेंगे बुक्स तो हो गया हमारे बुक्स, फिर लिखेंगे नॉट तो नॉट भी हो गया, उसके बाद बी लगाएंगे तो यहाँ पर बी भी लिख दिए, ठीक है। बी लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लगाएंगे राइट, ठीक है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो डब्ल्यू आर डबल टी ई एन रिटर्न, ठीक है, डब्ल्यू आर डबल टी ई एन रिटर्न। बाई क्या हो जाएगा, बाई ही है, तो ही का हो जाएगा, हिम हो जाएगा, कुछ इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आपका लास्ट, यानी कि जो आपका लास्ट आता है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब लास्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी जो है थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा कठिन भी है, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम लोग अफर्मेटिव में क्या जो नियम क्या लिखे हैं, देखिए नियम में है, सबसे पहले बिल या सेल लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। देखिए यहाँ पर दो दो सहायक क्रिया लगनी है, बिल या सेल लगेगी, उसके बाद हैव भी लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे बिल या सेल, इसमें भी लगता है, उसमें भी हैव लगता है, बट यहाँ पर आपको क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और लगनी है, क्या लगनी है, बीन लगनी है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लगनी है आपके, बिन लग जाएगी। एग्जाम्पल लिखा है ही विल हैव हेल्प्ड द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, तो यहाँ पर लिखेंगे द पुअर, ठीक, द पुअर। अब क्या लगाएंगे हम लोग, बिल या सेल लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे बिल, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, बीन, तो यहाँ पर हम लगा दिए बीन। अब यहाँ पर हम लोग क्रिया की थर्ड अवस्था का यूज करेंगे, तो थर्ड अवस्था क्या है, हेल्प का, हेल्प डी रहेगा, तो एच ई एल पी ई डी, हेल्प्ड, ठीक है। अब किसके द्वारा सहायता की गई है ना, तो यहाँ पर बाई हो जाएगा सी, तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो यहाँ पर द पुअर जो विल हैव, विल हैव बीन हेल्प्ड बाई हर, ठीक है, ये समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने जो है इसी के अकॉर्डिंग चला है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमसे गलतियाँ नहीं हो सकती। अगर आपने स्ट्रक्चर भूल गया और आप अपने मन से कर रहे हैं तो आपसे गलतियाँ होती जाएंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अपना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले बिल या सेल का यूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारी मेन सहायक क्रिया है वो बिल या सेल, इसी के बाद नॉट का यूज करना है, फिर हैव का यूज करना है, फिर बिल या सेल का यूज करना है, यानी कि पैसिव वॉइस में बिल या सेल का यूज करना है, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर बी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिखा है द विल, द दे विल, यहाँ पर होगा द विल नहीं होगा, दे विल नॉट हैव ईटन फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द फूड, द फूड, फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, बिल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिल, ठीक है, यहाँ पे बिल लगा दिए, फिर क्या लिखेंगे, बिल द फूड बिल। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या, नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पर है बिल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, हैव, फिर क्या लिखेंगे, बीन, ठीक। तो हमने लिख दिया बीन, अब क्या लगाना है आपको, बी थ्री यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई टेन, ई ए टी ई एन, ई टेन बाई, अब दे का जो है ऑब्जेक्टिव रूप में हो जाता है देम, तो टी एच ई एम देम हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने बना दिया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव में आते हैं, तो इंट्रोगेटिव जो है आपका बिल है, सेल है, प्लस सब्जेक्ट है, फिर हैव है, ठीक है, यानी कि हम बिल सेल को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसमें भी बाहर निकलेगा बिल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, और लास्ट में हम लोग बिल लगा देंगे, उसके बाद बी थ्री लिख देंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसलिए लिखा बिल माई मॉम कॉल्ड द डॉक्टर, तो यहाँ पर लगेंगे, तो बिल है तो बिल, यहाँ पर डॉक्टर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर, तो डॉक्टर के आगे भी क्या लग जाएगा, बिल लग जाएगा, ठीक है, बिल द डॉक्टर, बिल द डॉक्टर, ठीक है। हम फिर क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, क्या लगाएंगे, हैव, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग क्या, हैव, फिर क्या लगाएंगे, देखिए तो यहाँ पर बिल द डॉक्टर हैव, फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बीन, तो हम यहाँ पर बीन भी लगा देते हैं, क्या लिख दिए, बीन। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपका जो है क्रिया की थर्ड अवस्था यानी कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, तो यहाँ पर कॉल्ड ऑलरेडी लिखा हुआ, तो कॉल्ड लगा दिए, फिर वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लगाना है, बाई लगा दिए, फिर बाई माई मॉम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलिए आगे हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिल सेल को बाहर निकालना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, ठीक है। यहाँ पर बिल लगाएंगे सेल यानी पैसिव वॉइस में भी, बिल सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर बिल लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड अवस्था लिखेंगे। देखिए बिल सी नॉट कुक्ड द फूड, ठीक है, बिल सी नॉट कुक्ड द फूड, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले बिल को यानी कि द फूड हो जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लगाएंगे बिल यानी फूड के लिए क्या लग जाएगा, विल लगेगा, तो बिल निकाल दिया बाहर, फिर हो जाएगा द, क्या हो जाएगा, फिर फूड, ठीक। फिर क्या लगाना है हमें, यहाँ पर हम लोग देखेंगे विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, अब लगाएंगे क्या लगा दिया, नॉट, फिर लगा देंगे हैव, फिर क्या लगाना है, बिन लगाना है, तो बिन लगा दिए,
फिर क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर कुकड का हो जाएगा कुकड ही, सी डब्ल ओ के ई डी। ठीक, उसके बाद क्या लगाना है, हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लगाएंगे बाई। उसके बाद कौन है सब्जेक्ट, इसमें क्या है सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हर। ठीक, तो इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है एक्टिव पैसिव समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका आठों प्रकार का एक्टिव पैसिव जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको शायद आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे एक्टिव पैसिव जो बनाए जाते हैं वो नियम के विरुद्ध कैसे काम करते हैं, अपवाद क्या होते हैं। ठीक है, अपवाद, अपवाद के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस का भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी हम लोग जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस का भी हम लोग जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। बाकी जो है नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले यानी बनने वाले पैसिव वॉइस को भी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा कर रखें, क्योंकि मतलब यहाँ पर एक्टिव पैसिव भी बिल्कुल नॉर्मल था जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप कुछ नहीं जानते थे, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते थे पैसिव वॉइस के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में, तो आपको यहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। बट यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाना है कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो यहाँ पर ये तो आसान थे, आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको इंपरेटिव सेंटेंस का पूछा जाएगा या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर जो है आपको मतलब नियम के विरुद्ध आने वाले जो है दो चार सेंटेंस वो भी आपसे पूछ ले जाएंगे, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सी सारी चीजें पढ़ाई जानी है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो बस यार वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।